श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी स्कॉलर ने जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए हैं एक इंचार्ज डायरेक्टर पर, और करीब दो दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को, और इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी में बवाल भी है और कहीं ना कहीं आप ये कहें कि पैनिक जो है वो भी है। दो दिन का ये मामला है और एक पीएचडी स्कॉलर हैं जिन्होंने जो इंचार्ज डायरेक्टर हैं और जम्मू से बाहर के हैं, जिन पर ये आरोप लगे हैं वो जम्मू से बाहर के हैं, और एक लोकल छात्रा हैं जिन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ाम जो हैं वो उन पर लगाए, और दो दिन के बाद जो है वो आज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उसने जो है आज एक स्टेप लिया है इस पूरे मैटर में, और स्टेप ये उठाया गया है कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है यानी कि जो ICC है वो अब इस मैटर को जो है वो प्रोब करेगी, वो इस मैटर की इंक्वायरी करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। एक स्कॉलर के द्वारा अपने ही फैकल्टी मेंबर पर, यानी कि आप ये कहें कि गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो एक बार फिर से यहाँ पर सवालों के घेरे में है, तो सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं, और फिलहाल जो ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है इसने जो है वो एक कंप्लेंट जो है वो रिसीव की है एक फीमेल पीएचडी स्कॉलर से, जिसमें उस स्कॉलर ने ये जो इंचार्ज डायरेक्टर हैं इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप जो है वो लगाया है। फिलहाल ये टीम जो है ये अब इस इंक्वायरी को आगे प्रोसीड करेगी, और ये पूरा टाइम बाउंड मैनर में जानने की कोशिश की जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो वाकई में सही हैं, और अगर आरोप जो हैं वो सही पाए जाते हैं तो फिर जो है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है वो अपने एंड पर जो है वो कार्रवाई तो करेगी ही, लेकिन इस पर फिर आगे जो लीगल कार्रवाई है वो भी की जाएगी। फिलहाल जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्हें जो है वो रिलीव कर दिया गया है, यानी कि उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है, और उनसे ये कहा गया है कि जब तक इस सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन मामले की इंक्वायरी जो है वो कंप्लेंट कमेटी पूरी नहीं कर लेती है वो अपने पद पर नहीं रह सकते हैं, और उन्हें पद से हटाने के साथ ही छुट्टी पर भी भेज दिया गया है, और पीछे जो इंक्वायरी है वो अब इनिशिएट की जाएगी। जो टीम है, जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी बाकी के जो स्कॉलर्स हैं उनसे पूछताछ करेगी, उसके अलावा जो बाकी के फैकल्टी मेंबर्स हैं जो उस इंचार्ज डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, उसके मित्र हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। एक पूरा आप कहें कि खाका जो है वो तैयार किया जाएगा, एक करेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश की जाएगी जिन पर ये आरोप लगे हैं, और साथ ही साथ अगर इन आरोपों में सच्चाई है तो इस मैटर को बहुत ही गंभीरता के साथ डीलअप किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा बैक टू बैक दूसरा मामला है। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी एक प्रोफेसर ने जो है वो हाल ही में सुसाइड किया है, और जब ये मामला सामने आया तो ये मालूम चला कि उन पर भी सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगे थे, और उन्हें उसी दिन जो है वो यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी जो जीवन लीला थी वो वहीं यूनिवर्सिटी में अपने ही ऑफिस के अंदर खुद को हैंग करके समाप्त कर लिया, यानी कि उन्होंने सुसाइड की थी। और अब उसके बाद बैक टू बैक ये दूसरा मामला श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से सामने आया है, तो ऐसे में अब इन मसलों पर जो जांच कमेटी बनाई गई है वो जांच कमेटी बहुत ही सटीक तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस या अन्याय ना हो। अगर वाकई में आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और जो फैकल्टी मेंबर हैं उन्हें जो है वो इसका जो सज़ा है वो भुगतनी होगी, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई जो है वो हो सकती है। लेकिन जब तक जांच कमेटी पूरी तरह से ये इंश्योर नहीं कर लेती कि जो एलिगेशन लगे हैं वो सही हैं या फिर कितनी सच्चाई जो है वो इन एलिगेशंस में है, उस वक्त तक जो है वो शायद लीगल एक्शन जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है इस पूरे मामले में कि जो कंप्लेंट कमेटी है उसने लिखित में जो कंप्लेंट है वो पीएडी स्कॉलर से रिसीव की है, और उस कंप्लेंट के बाद जो है उस फैकल्टी मेंबर को जो कि इंचार्ज डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं
उन्हें उनके पद से रिलीव कर दिया गया है और छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि पीछे एक टाइम बाउंड मैटर में इस पूरे मामले को लेकर इंक्वायरी की जाएगी, सभी स्कॉलर से और फैकल्टी मेंबर से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कानूनी या फिर लीगल जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आप देखते रहे जमुई लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।